को लखनऊ से इस वक्त की है बड़ी खबर है। राष्ट्रीय किसान मंच की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब लखनऊ में आयोजित की गई। किसान मंच के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया। उन्होंने कहा कि गोमती नदी की सफाई व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कई सवाल उठाए। वो जन जागरण यात्रा निकालेंगे, रात्रि विश्राम भी करेंगे, क्षेत्र के अनेकों गाँव में विश्राम करने का भी उनका प्रबंध होगा और जन जागरण यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का भी काम करेंगे। इस वजह से प्रेस यूपी प्रेस क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। सुनिए क्या कहा पदाधिकारियों ने। यात्रा को हमने 6 चरणों में बांट दिया है, फेज वाइज सारी यात्राएं होंगी और ये यात्रा के लिए हमने जो गोमती नदी के किनारे जो तट है, जो गाँव है, रात्रि विश्राम का भी प्रयोजन हमारा गोमती नदी के किनारे के गांव में है। खासकर किसानों की बड़ी संख्या है, बड़ी आबादी है गोमती नदी के किनारे, तो किसान जन जागरण यात्रा एक तरह से है और गोमती शुद्धिकरण यात्रा। तो गोमती नदी के किनारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरा राष्ट्रीय किसान मंच का संगठन वहाँ रात्रि विश्राम करेगा और जो पौराणिक स्थल है, जो तीर्थ स्थल है, उस पे हम लोग रात्रि विश्राम करेंगे और किसान पंचायतें करेंगे। ये बेसिक हमारा है। इसके अलावा और ये जो गोमती नदी जल जागरण शुद्धिकरण जन जागरण यात्रा जो हम शुरू करने जा रहे हैं, इसके पीछे बेसिक कारण ये है। आप उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट आ चुकी है, गोमती नदी की क्या दशा है आप किसी से छुपी नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट छप चुकी है, आप लोग भी जानते हैं, पत्रकार हैं, सारे लोग इस पर रिसर्च देख रहे हैं। गोमती नदी में लेड की क्या पोजीशन है, कैडमियम की क्या पोजीशन है, आर्सेनिक की क्या पोजीशन है, और चूंकि देश की जो सरकार है, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे लखनऊ की सरकार हो, एक तरह से अध्यात्म की पोषक सरकार है। नमामि गंगे की बड़ी परियोजना देश में भारत सरकार चला रही है, हम नमामि गोमती पर काम करने जा रहे हैं और बेसिक रूप से हमारा मतलब है कि किसान को शुद्ध पानी मिले। आप देखिए कि जो नाले का पानी गिराया जा रहा है, निश्चित तौर पर इस पानी को ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू अगर ले जाया जाए तो देखिए क्या क्या दशा होगी। तो पोल्यूशन पर भी हम काम कर रहे हैं और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो निश्चित तौर पर हम इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं और एक बड़ा जन जागरण अभियान हम शुरू करने जा रहे हैं।